News, views, voices of the global Indian community. India abroad. अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आगामी सरकार के लिए महत्वपूर्ण पदों के लिए अधिकारियों की घोषणा कर दी है। ट्रंप के प्रशासन में कई नए और चौंकाने वाले चेहरे हैं, लेकिन भारतीय अमेरिकियों को ट्रंप के प्रशासन में अहम और महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति देना सबका ध्यान खींचता है। इसके पीछे की वजह क्या है? दरअसल ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में संभावित कैबिनेट में काश पटेल, विवेक रामास्वामी और जय भट्टाचार्य जैसे भारतीय अमेरिकियों को अहम नियुक्तियां दी हैं। ट्रंप के प्रशासन में खुद को हिंदू कहने वाली तुलसी गबार्ड का भी नाम है। यहां यह बताना जरूरी है कि तुलसी गबार्ड का भारत से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन वो खुद को हिंदू कहती हैं। ट्रंप के पूर्व आध्यात्मिक सलाहकार जॉनी मूरे का कहना है कि वे इन नियुक्तियों को भारतीय अमेरिकियों और हिंदू अमेरिकी समुदाय के लिए निर्णायक पल के रूप में देखते हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में जॉनी मूरे ने कहा, उषा, तुलसी, विवेक, जय और अब काश पटेल। भारतीय अमेरिकी और हिंदू अमेरिकी समुदाय ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में केंद्रीय प्रशासनिक भूमिका निभाएगा। ये वाकई अमेरिका के सबसे सक्रिय अल्पसंख्यक समुदायों में से एक के लिए उल्लेखनीय अवसर है। हाल ही में ट्रंप ने अपने वफादार पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी काश पटेल को FBI का जिम्मा सौंपा। उद्यमी विवेक रामास्वामी को एलन मस्क के साथ नए सरकारी दक्षता विभाग यानी डॉग ई की कमान सौंपी गई है। स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं हिंदू धर्म को मानने वाली पूर्व सांसद तुलसी गबार्ड को राष्ट्रीय खुफिया विभाग का निदेशक नामित किया गया है।